डबल मर्डर करने वाला वो हत्यारा जिसका झूठ हम आपको लाइव सुनाएंगे, जिसके टारगेट पर था चचेरा भाई। आरोपी ने जहर खरीदा, शराब में जहर मिला, शराब की बोतल को चचेरे भाई को दे दिया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि आरोपी के सगे भाई ने भी वो शराब पी ली। आखिर क्यों हुआ कत्ल और गफलत में डबल मर्डर, देखिए चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारे का झूठ लाइव। एक बेखौफ हत्यारा जो ड्रामा करता है। उसने जहर खरीदा, टारगेट पर चचेरा भाई। एक गलती सगे भाई की ली जान। शराब, साजिश, जहर, रिश्तों का कहर, बेबसी ऐसी कि हलक से कुछ निकल ही नहीं रहा। बस हाथ में शराब की बोतल लेकर खड़ा है ये शख्स। बार बार कह रहा है, मेरे सगे भाई प्रदीप पाल और चचेरे भाई रवि पाल की मौत की वजह और गुनहगार है ये जहरीली शराब। तो पहले जरा इस शख्स का ड्रामा सुन लीजिए, फिर असली कहानी हम आपको सुनाएंगे। रवि था और मैं था संदीप। मैंने पहले इनको दे दिया, मैं घर पे गया उतारने कपड़े पे, वापस आया मैं खुद आया था पीने के लिए। जब फिर इनको उल्टी होने लगी, इनको। तो संदीप ने जो कहानी सुनाई वो अधूरी है इस डबल मर्डर की। सही सुना आपने, डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। आप जरा ये तस्वीरें देखिए, हाथ में हथकड़ी और चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। ये वही शख्स है संदीप पाल, जिसे आपने थोड़ी देर पहले सुना, जो अपने सगे भाई प्रदीप और चचेरे भाई की मौत की वजह बता रहा था। लेकिन इस मौत के पीछे जहरीली शराब नहीं बल्कि शराब और साजिश है। जो जावर से संदीप एक कीटनाशक दवाई लेकर निकला था, उसके द्वारा यहाँ आकर शराब की बोतल खरीदी गई और शराब की बोतल खरीदने के बाद उसने रवि को शराब की बोतल दी पीने के लिए। तो संदीप ने हत्या की साजिश रची, जिसके निशाने पर था चचेरा भाई रवि, जिसने पहले जहर खरीदा, फिर शराब में खरपतवार नाशक कीटनाशक मिलाया, जिससे शराब जहरीली हो गई। रवि को शराब की बोतल दी और कहा वो नहा कर आता है। इस बीच रवि ने जाम छलकाना शुरू कर दिया था। रवि ने अपने ब्रदर को भी बुलवाया और प्रदीप को बुलवाने के बाद, चूंकि प्रदीप सामने ही रहता था तो उसको बुलवाया और फिर उसके द्वारा सेवन किया गया। सेवन करने के बाद सबसे पहले तबीयत खराब हुई रवि की, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में उसकी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण उसको इंदौर रेफर किया गया और इंदौर रेफर करने के बाद उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। आरोपी संदीप पाल को यकीन हो गया उसके रास्ते का काटा यानी चचेरा भाई हट गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी था। रवि ने आरोपी संदीप पाल के सगे भाई प्रदीप को भी शराब की महफिल में शामिल कर दिया। जहरीली शराब से दोनों की तबीयत बिगड़ी। क्या इन तीनों के बीच से ही कोई ना कोई रंजिश का कारण है? और रंजिश का कारण ये पता लगा कि जो संदीप छोटा भाई है उसके द्वारा इस शराब के कीटनाशक लेना और कीटनाशक के बाद शराब लेना और शराब लेने के बाद उनको वितरित कराना और इसके बाद इस प्रकार का घटनाक्रम होना। 76 लाख का मुआवजा, डबल मर्डर। पूरा मामला 80 डिसमिल जमीन के रेलवे अधिकरण से मिले 76 लाख रुपए के मुआवजे का है, जिसे लेकर संदीप और चचेरे भाई रवि के परिवार के बीच कोर्ट केस चल रहा था। एक बार संदीप के पिता केस जीत गए, लेकिन रवि के परिवार ने फिर से अपील दायर कर दी। प्रथम दृष्टया अभी पैसे का मकसद आ रहा है, क्या कोई जमीन से संबंधित विवाद है जिसमें वो पैसे वैसे की डिमांड करता था? कुछ और भी बातें ऐसी सामने आ रही है जो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन होने के पश्चात ही उसके बारे में खुलासा किया जाएगा। मुआवजा और रिश्तों का कत्ल रोंगटे खड़े कर देता है। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और इसी बीच एक खबर इंदौर से। इंदौर में नशेड़ी युवक का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ढाबे पर खाना खाने के बाद नशेड़ी युवक ने किया हंगामा। ढाबा संचालक की नशेड़ियों ने पिटाई कर दी और बर्थडे पार्टी से लौट रहे नशेड़ी बदमाशों ने खाने की बात पर विवाद किया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। गांधी नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ढाबे पर नशेड़ी युवकों का जबरदस्त हंगामा और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आप देखिए तस्वीरें। इंदौर का ये पूरा मामला है जब नशेड़ी युवकों ने जबरदस्त हंगामा किया। ढाबा संचालक की नशेड़ियों ने जमकर पिटाई कर दी। ढाबे पर नशेड़ी युवकों का मारपीट का वीडियो सामने आया है। अब वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद। भिंड में व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना में खाली कारतूसों का लगा ढेर। फायरिंग की घटना में दहशत में आया परिवार। शहर की पॉश कॉलोनी की पूरी घटना सामने आई है। तो व्यापारी के घर फायरिंग की गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फायरिंग किसने की है फिलहाल ये पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है। दहशत से इलाके में लोग दहशत के साए में हैं। शहर की पॉश कॉलोनी का ये पूरा मामला है। दो दोस्त अचानक से लापता हो गए। करीब 5 दिन बाद दोनों की लाश नहर में बहती हुई आई। ये कत्ल का मामला था और इस डबल मर्डर के पीछे वजह थी वो किसकी होगी। बाली उम्र के इस एक तरफा प्यार में हुआ खूनी खेल रोंगटे खड़े कर देगा। वो किसकी होगी? लड़की से मुलाकात, ऐसे बना मर्डर का प्लान। नहर में बहकर आई दो दोस्तों की लाश। लोहे की रॉड से वार, वो सिर्फ मेरी है। एक तरफा प्यार, डबल मर्डर। ये नहर अपने अंदर एक खौफनाक राज दफन किए हुए थी। जिस नहर में बहती हुई एक लाश आई। लाश मिलने के बाद गांव में दहशत का माहौल था। ये लाश आखिर किसकी थी? इस बीच करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक और लाश नजर आई। ये लाश भी नहर में बहकर आई थी। अब जरा इस इश्तिहार पर गौर कीजिए। दो लड़कों की तस्वीर है, तारीख लिखी है 7 जनवरी। इस रोज ही दोनों दोस्त लापता हो गए थे। इस नहर में जो दो लाशें मिली है वो इन्हीं दो दोस्तों की थी जो करीब 5 दिन से लापता थे। 12 तारीख को लाश का राज खुला, लेकिन अभी भी ये राज खुलना बाकी था। इन दोनों दोस्तों का गुनहगार कौन है? उनके शरीर में, सिर में खास तौर से चोटों के निशान थे। उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके स्कल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था। तो क्लियर था कि ये जो चोटें थी एंटीमार्टम थी और इनको हत्या करके फेंका गया है। जांजगीर चांपा के भरबाटा का ये मामला है। पुलिस की माने तो वारदात में शामिल 3 नाबालिग और 2 बालिग आरोपियों ने लड़की से मिलने के बहाने दोनों दोस्तों को बुलाया था। जैसे ही दोनों आए, लोहे की रॉड से हमला किया गया और फिर लाश को नहर में फेंक दिया, बाइक को कहीं और। पुलिस ने अपना सूचना तंत्र वहां पे फैलाया और टेक्निकल इंट में भी काम किया। लिहाजा ये जानकारी मिली कि एक लड़की जो पास के गांव की रहने वाली है उसको लेकर गांव जो मृतक पक्ष है और गांव के कुछ लड़कों के बीच मनमुटाव था और उसी घटनाक्रम में ये हत्या हुई है। दरअसल ये एक तरफा प्यार का मामला है। नाबालिग लड़की से आरोपियों में शामिल एक नाबालिग एक तरफा प्यार करता था।
मृतक दोस्तों में से भी एक नाबालिग लड़का उसी लड़की से एक तरफा प्यार करता था। टीम जो विवेचना टीम थी जिसमें एडिशनल एसपी थे, उन्होंने संदिग्धों से लगातार पूछताछ की और उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बड़े प्लान तरीके से 7 तारीख के रात में 10:30 बजे उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर उनको मारपीट की गई, उनके सिर में प्रहार किया गया और उसके उपरांत उनकी बॉडी को नहर में फेंक दिया गया। और जिस बाइक से वो आए थे उस बाइक को वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मुड़पार के तालाब के पास फेंक दिया गया था। आरोपियों ने ये सोचा कि मृतक नाबालिग लड़का रास्ते से हट जाएगा तो वो अपनी एक तरफा मोहब्बत को हासिल कर लेगा। बाली उम्र के इस खूनी इश्क से सब हैरान है। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20।